मुन्ना बदनाम हुआ गाने में प्रभुदेवा अपनी दबंगई क्यों दिखाना चाहते हैं और दबंग 3 का सरप्राइज एलिमेंट क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 को लेकर काफ़ी समय से चर्चा है और इस समय एक ऐसी खबर आ रही है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाली है। दरअसल इस बार फिल्म में आइटम नंबर खुद सलमान खान करने वाले हैं, जिसके बोल होंगे मुन्ना बदनाम हुआ। अब जाहिर है इस गाने में काफ़ी ज़्यादा मस्ती होने वाली है। खबर ये आ रही है कि इस गाने को खुद प्रभु देवा कोरियोग्राफ करेंगे और इस गाने में वो शानदार स्टेप्स के साथ नज़र आने वाले हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि इस गाने में लव यात्री फेम वरीना हुसैन भी अपने किलर मूव्स से लोगों को दीवाना बनाती नजर आएंगी। इन दोनों की एंट्री की खबर से इतना तो साफ हो गया है कि ये गाना काफ़ी बड़ा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इस फिल्म में सलमान खान की पिछली जिंदगी की कहानी दिखाई जाएगी। दबंग 3 के प्रीक्वल भाग में दिखाया जाएगा कि पुलिस बनने से पहले उनकी लाइफ में क्या हुआ, वो कैसे चुलबुल पांडे बने। जाहिर है पिछली दो फिल्मों से अलग दर्शकों को दबंग 3 में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न मिलने वाला है। फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज होने वाली है और फिल्म को लेकर सलमान खान के फैंस की बेसब्री भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। खबर है कि इस फिल्म में महेश मांजरेकर की बेटी भी नजर आने वाली है। महेश मांजरेकर ने फिल्म में सोनाक्षी के पिता का रोल किया था। वहीं इस बार चुलबुल पांडे की कहानी पहली दोनों फिल्मों से काफ़ी दमदार साबित होने जा रही है। खबर है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक पुलिस वाला सीधे सिस्टम से टकराता है। इस फिल्म के गानों और म्यूजिक को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है और अच्छे और शानदार गानों की उम्मीदें की जा रही हैं। दूसरी ओर जब फिल्म की कहानी को लेकर अरबाज खान से पूछा गया कि इस फिल्म में सरप्राइज एलिमेंट क्या होने वाला है, तो उन्होंने किच्चा सुदीप का नाम लिया है। हालांकि उन्होंने किच्चा सुदीप के किरदार के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान फिर से चुलबुल पांडे बनकर लोगों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। फिल्म दबंग की अगर बात करें तो उसमें निगेटिव रोल में सोनू सूद और दबंग 2 में प्रकाश राज नजर आए थे। दोनों ने ही काफ़ी धमाकेदार काम किया था। तो दूसरी ओर विनोद खन्ना को हम सब काफ़ी मिस करेंगे, क्योंकि उनके देहांत होने की वजह से वो अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे। गौरतलब है कि इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और अरबाज खान का किरदार भी शानदार होने वाला है। इस फिल्म में विनोद खन्ना की जगह दूसरा कलाकार नजर आने वाला है और आपको बता दें कि विनोद खन्ना का किरदार इस फिल्म में प्रमोद खन्ना निभाने वाले हैं, क्योंकि प्रमोद खन्ना काफ़ी हद तक उनके जैसे दिखते हैं, इसलिए उन्हें इस किरदार के लिए चुना गया है। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म दबंग 3 की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए दबंग 3 के प्रोड्यूसर अरबाज खान ने कंफर्म किया कि दबंग 3 की 60% शूटिंग खत्म हो चुकी है और उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान की ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। अरबाज खान ने कहा, फिलहाल हम दबंग 3 के लंबे शेड्यूल के बीच में हैं। हमने फिल्म की 60% शूटिंग पूरी कर ली है। हम दिसंबर के आखिर में फिल्म को रिलीज करने की सोच रहे हैं। दरअसल हमने फिल्म की रिलीज की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म के निर्देशक प्रभुदेवा ने कहा, दबंग 3 में कॉमेडी, इमोशन, एक्शन सभी कुछ है। सलमान खान के फैंस को फिल्म में काफ़ी मसाला मिलने वाला है। साल 2010 में आई फिल्म दबंग सुपरहिट रही थी। अभिनय कश्यप के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था। खासकर सलमान खान का चुलबुल पांडे अवतार बेहद ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसके बाद इसे एक फ्रेंचाइजी का रूप दे दिया गया, जिसके बाद 2012 में आई दबंग 2 और ये फिल्म भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो दोस्तों, अब आप इस सीरीज़ की तीसरी किस्त को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।